अस्सलाम वालेकुम दुरूद शरीफ पढ़ें। वेरिएंस चल रहा है अभी, तो ये बीच में ना एक एक क्लास वाले टॉपिक है, अदरवाइज वेरिएंस चल रहा है अभी। टारगेट कॉस्टिंग ये है तो बस एक छोटा सा फार्मूला, लेकिन ये और सवालों के साथ मिक्स भी हो सकता है, ये और सवालों के साथ मिक्स हो सकता है। इसकी कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी मैं बोर्ड पे तो एक फार्मूले की शक्ल में लिखूंगा, लेकिन आप ना अपने लिए अपने अल्फाज में थोड़ी सी कहानी लिख लेना तो अच्छा है। अच्छा, वेरियंस तो चल ही रहा है, तो बस पर रजिस्टर के पीछे से शुरू कर लेना। आखिर है कितने पेजेस लगेंगे इसमें? एक फार्मूला बताना है, आपने कहानी लिखनी है आधा एक पेज, फिर दो पास पेपर के सवाल कराने हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, चार पेज, और लर्निंग कर्व में 8-10 पेज, तो फिर पीछे से ही आ जाए। हैं मेरी रोटी खा। जब कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च करता है और उस मार्केट में उससे पहले वो प्रोडक्ट नहीं है, जैसे जैसे कुछ साल पहले ना वो यहां पाकिस्तान में एक फ्रोजन योगर्ट लॉन्च हुआ था। आइसक्रीम तो बचपन आपके बाबा दादा के बचपन से चल रही है, लेकिन एक फ्रोजन योगर्ट, ये योगर्ट दही और ठंडा दही, ये इन्होंने शुरू किया था टूटी फ्रूटी के नाम से, और ये मुख्तलिफ इसके पार्लर थे, और उससे पहले इस तरह का प्रोडक्ट नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ना हिट हुआ नहीं और कुछ साल बाद के वो दुकान बंद करके निकल गए वो लोग। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना हो जो मार्केट में पहले ना हो, या फिर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना हो जो मार्केट में पहले ही बहुत सख्त कंपटीशन चल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन बात यह है कि सेल प्राइस बहुत मोहतात होकर रखनी पड़ेगी, और शायद बहुत ज्यादा रख ही ना सके, क्योंकि अगर पहली दफा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो पता नहीं लोग कैसे एक्सेप्ट करें, प्राइस कम रखेंगे तो लोग तजुर्बे करेंगे, और अगर हाईली कंपेरेटिव मार्केट है तो सेल प्राइस फिर हम कंपेटिटर्स के आसपास ही रख सकेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रख सकेंगे, यानी सेल प्राइस तय करने में हम कैद होंगे। तो इसमें चाहे वो नया प्रोडक्ट है चाहे हाईली कंपेरेटिव मार्केट में आ रहा है, सेल प्राइस हम निकाल पाएंगे मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई, मार्केट में सर्वे करके, तो मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन करेंगे प्राइस, यहां से चलेंगे उल्टा, हम कितना प्रॉफिट कमाना कम से कम चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट कह लें, और ये फिगर हम इसके अंदर मार्कअप या मार्जिन लगाकर इसमें से ये माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगी टारगेट कॉस्ट। और साथ साथ मिसाल भी दे देता हूं, एक प्रोडक्ट हम मार्केट में नया लॉन्च कर रहे हैं और हमारे मार्केट सर्वे के मुताबिक हम वो 100 रुपए का बेच सकेंगे बस, इससे ज्यादा का नहीं, और हम इस पे कम से कम 20% मार्जिन तो कमाना चाहेंगे, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स में हम इतना कमा लेते होते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच सके, इतना प्रॉफिट सिर्फ तभी कमा सकेंगे अगर हमें ये कॉस्ट करेगा 80। ये है हमारी कॉस्ट का टारगेट, कि अगर हम इसको इतने का बेचना और इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 80 रुपए में हमें ये तैयार करना पड़ेगा, ये टारगेट कॉस्ट है। एक एंड ये मिल गया, दूसरा एंड हम अपनी प्रोडक्शन टीम से बेस्ट अंदाजे लगवाएंगे, ये हम अंदाजा लगवाएंगे अपनी प्रोडक्शन टीम से, प्रोडक्शन टीम कहती है जी हम इस पे इतना मटेरियल लगाएंगे, इतना लेबर चाहिए, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं हम इसको आपको 94 में तैयार कर देंगे। हम अपनी प्रोडक्शन टीम से कहेंगे कि 94 में तुम तैयार करोगे तो शुक्रिया, हमारे किसी काम का नहीं है, 80 में तैयार करके दो तो हमारे काम का है। तो अब प्रोडक्शन टीम को दोबारा से मेहनत करने को कहेंगे कि कोई मटेरियल हल्का कर लो, कोई लेबर से काम
तरीके से करवाने की कोशिश कर लो, कोई लेबर हल्की क्वालिटी का कर लो, चार बंदों की जगह तीन बंदों से काम चला लो, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट 94 की बजाय 80 में कंप्लीट करके दो। तो अब प्रोडक्शन टीम को क्या अगला टारगेट दे रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है उन्होंने? कॉस्ट रिड्यूस करनी है। कितने रुपए से रिड्यूस करनी है? 14 रुपए से। उस 14 रुपए को कहते हैं कॉस्ट गैप। तो आपसे सवाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, तो उसके लिए डाटा क्या दिया होगा? एक तो ये फिगर आपको दी होगी, क्योंकि ये आप थोड़ी, ये तो मार्केट से पता लगनी थी, ये तो गिवन होगी। ये टारगेट डिजायर्ड प्रॉफिट भी गिवन होगा, ये इस पे प्रॉफिट लगा के निकालना पड़ेगा, एक एंड निकल आया। फिर इसके अलावा अब तक का कॉस्ट का नॉलेज टेस्ट होगा, मटेरियल के लॉसेस, किलो इतने किलो लगते हैं, इतना लॉस होता है, फिर लेबर कितने घंटे लगते हैं, इतना वेज रेट है, इतने वेरिएबल ओवरहेड, इतने फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, वो सारी कॉस्टिंग का नॉलेज ये कैलकुलेट करने में लगेगा। और आपसे कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने का कहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो सकता है, फिर इसी चीज को थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं कि इतने का हम बेचना चाहते हैं, इतना कमाना चाहते हैं, और हमारे बेस्ट अंदाजों के मुताबिक इतना इतना खर्चा आएगा। हम ये प्लान कर रहे हैं कि लेबर से निगोशिएट करें और उनसे वेज रेट कम करवाएं, बताएं हमें कितने पैसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए? 14 रुपए। या फिर हम लोग सप्लायर से निगोशिएट कर रहे हैं और उनसे डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं कितना डिस्काउंट लेने की कोशिश करनी चाहिए? 14 रुपए। तो कॉस्ट गैप नाम लेके भी पूछा जा सकता है, या कुछ कहानी भी ऐसी बनाई जा सकती है कि आपको डेटा से अंदाजा हो जाएगा कि इस टॉपिक का सवाल ये टारगेट कॉस्ट है। बस हो गई। इसके दो सवाल कराता हूं, इसकी कोई कहानी अगर जाप के सुन रहे थे तो कुछ लिखनी है तो जरूर लिखें, फिर सवाल कराता हूं। कहानी थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं कि या तो ये कोई नया प्रोडक्ट होगा जो पहली दफा मार्केट में लॉन्च हो रहा होगा, या फिर हाईली कंपेटिटिव मार्केट में हम एंटर हो रहे होंगे। इन एनी केस सेल प्राइस हमारे इख्तियार में नहीं होगी, हमें मार्केट के हालात देख के रखनी पड़ेगी। फिर भी अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो अपनी इस सेल प्राइस में टारगेट प्रॉफिट एडजस्ट करके कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमारी टारगेट कॉस्ट होगी। और फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड का बेस्ट अंदाजा लगा के एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें जो इन दोनों का डिफरेंस है, कॉस्ट गैप, वो खत्म करने की कोशिश करनी है। चलो लिख ली कहानी। चैप्टर 10 बनाया हुआ मैंने अपनी बुक में, चैप्टर 10।
अच्छा, ये कैसे कम किया जा सकता है कॉफी अब? मटेरियल एक अल्टरनेटिव चीपर क्वालिटी का ढूंढ के, लेबर कम स्केल वाली यूज करके, बोनस देके उनको एफिशिएंसी कम टाइम में काम करवा लें, मटेरियल कम क्वालिटी का कर लें सस्ता हो जाता है, और अपने प्रोडक्शन के बाकी एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश कर लें। नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं, मटेरियल सस्ता हो गया ना। और अच्छा, मटेरियल सस्ता कैसे करवाएं? सप्लायर से डिस्काउंट की कोशिश कर लें। तो इसमें थ्योरेटिकली भी एक चीज पूछी जा सकती है आपसे, चैप्टर 10 है मेरी किताब में, और इसमें एक तो एडवांटेजेस हैं पहले पेज पे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले पेज पे क्लोजिंग की टारगेट कॉस्ट गैप, कि ये टारगेट कॉस्ट गैप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, एक एडवांटेजेस और एक एक क्लोजिंग की टारगेट कॉस्ट गैप, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। चले, इसमें ये आई के पास पेपर में आए और इसके क्वेश्चन 2 पे आए, स्प्रिंग 15 हाईटेक लिमिटेड, पढ़ने में करता हूं। नहीं, क्वालिटी चीप जो है ना, वो जो मेन चीज, जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे अगर कोई खाने की चीज लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पैकिंग मटेरियल हल्का कर सकते हैं। क्वालिटी चीप मतलब उसके अंदर जो मीट लगा रहे हैं वो नहीं हल्की क्वालिटी का कर लेना, जो उसको एक अच्छे से गत्ते के अंदर डब्बे में पैक कर रहे थे वो कागज में लपेट लें, वो कॉस्ट कम कर लें। जो सलाद की 4 चीजें उसमें लगानी थी 2 लगा ले, इस क्वालिटी को कम करना है। जैसे अगर कोई नए जूते का ब्रांड लॉन्च करने लगे तो ये नहीं कि इसमें से चमड़ा ही निकाल लें, कुछ और सोल की थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर लें, चमड़े में जो रंग डालते थे वो रंग थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी से हल्का इसलिए कर लें, पहले हमने सोचा था कि ये वो वाला रंग डालेंगे जो अगले 150 साल तक भी चेंज नहीं होगा, तो वो बंदे नहीं रहना 150 साल तक जिसने जूता पहनना है, तो थोड़ा हल्का रंग डाल लेते हैं जो बस 20 साल तक गुजार जाए। तो इस तरह से कम कर लेते हैं जो प्रोडक्ट को ज्यादा अफेक्ट ना करे। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया तो मैं करूं। कैसे पता किस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायर्ड में टारगेट का वर्ड मिल गया, इसलिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें सेल प्राइस बता दी, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, फिर उसके अलावा खर्चे बताए हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट इज एज फॉलोज, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स हैं, और उसके बाद रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि हम, दरमियान में भी वैसे कहा हुआ है कि हम सप्लायर से डिस्काउंट अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वायर्ड ये पूछा है कि कितना डिस्काउंट अवेल करें ताकि हम अपने टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच पाए। तो इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट से आइडिया हो रहा है कि टॉपिक का सवाल है।
सेल प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, पहले टारगेट कॉस्ट निकल आएगी, फिर अदर इन्फॉर्मेशन के सारे पॉइंट से ये निकलेगा, और इनका जो डिफरेंस होगा ये रिक्वायर्ड का आंसर होगा कि हमें इतना डिस्काउंट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चलें कर लेते हैं। अच्छा इसमें ये ना हम काम पर यूनिट करके भी कर सकते हैं और टोटल टोटल भी कर सकते हैं। एडवाइस वैसे टोटल करने की है क्योंकि कुछ खर्चों को पर यूनिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिक्स खर्चे हैं तो टोटल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें टोटल यूनिट्स बता दिए कि इस प्रोडक्ट के टोटल हम कितने यूनिट्स बेच लेंगे, प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल पहले ही टेबल में, यानी इसको टोटल हम कितना बेच लेंगे, 500,000 यूनिट्स, कितने साल में, जितने भी साल में हो सकता है 10 साल हो, टोटल मिला के 500,000 यूनिट्स हैं। तो हम इन टोटल 500,000 यूनिट्स के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये सारी कैलकुलेशन पर यूनिट भी कर सकते हैं। नींद आ रही है, हम ये सारी कैलकुलेशन टोटल भी कर सकते हैं और पर यूनिट भी कर सकते हैं। चाय ये ड्रम है यार, सीधी नींद उठती है, चाय ऐसी है। नहीं 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 कितने यूनिट्स बेच लेंगे, 500,000, और एक यूनिट बेच लेंगे 11,000 का। $550 million और अगर हम मार्जिन कमाना चाहते हैं कितने परसेंट, तो टोटल टारगेट कॉस्ट हो जाएगी हमारी 60%। 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 3,300, ये हमारी आगे टारगेट कॉस्ट। अब निकालते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट और उसको फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, एक एक्स एक्स है, एक वाई 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 और एक जी जी है, और तीनों के बारे में एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितनी नेट क्वांटिटी लगेगी। ये नेट का वर्ड क्यों लिख दिया, क्योंकि पॉइंट नंबर टू की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि 6% ऑफ इनपुट लॉस हुआ करता है, तो ये लॉस से कटने के बाद जो बाकी वजन बचेगा ये वो ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, ये नेट क्वांटिटी से पता चलता है, वर्ड नेट से। जबकि हमें मटेरियल कॉस्ट जो इन करनी होती है उसको कहते हैं। तो एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए एक्स कितना लगेगा, 1, लेकिन ये 1 तो नेट है, लॉस कितना होना है, अच्छा एक्स में होना है लॉस, तो एक्स में लॉस नहीं होना है, ये 1 ही लगना है। टोटल 11,000 यूनिट्स, और एक एक्स कितने का मिलेगा, 2,350। अरे नहीं सॉरी, 5,00,000 हाँ, वो चाय नहीं पीना बस आ रही है, चाय कॉफी एक अलग किस्म की कॉफी आ रही है मेरे लिए। Y 1.5 लगता है, लेकिन ये नेट ऑफ 6% है, और 500,000 टोटल प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाने, और एक Y मिलता है या मिलेगा 1,400 का। ये टोटल गलत है यार, आप मेरे को घर से पी के आनी चाहिए थी ये, ऐसे
यही ये गलत है। ट्रिपल वन यार मुझे ना जीडी में रखनी चाहिए थी क्लास में। डबल वन नहीं भैया आंसर तो नहीं है। ओके ट्रिपल 17.02 और Z 1/5 ठीक तो है लेकिन टोटल भी करना है ना। 29 जब ये मटेरियल हम खरीद के लाएंगे तो चूंकि आना है ये बाहर से तो सरकार हमसे इस पे 15% कस्टम ड्यूटी भी लेगी। ये हमें इन 5 लाख यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी। इसी से आगे चल रहा हूं जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी। इसी से आगे चल रहा हूं यानी मैंने यहां लिखा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर शिफ्ट 8 घंटे की होगी और मशीनें स्टार्ट करने में फिर हो सकता है बंद करके जाने में आधा घंटा जाया हो जाता है आइडल टाइम, तो वर्कर्स को पैसे 8 घंटे के देंगे कि 7.5 घंटे के? 8 घंटे के। लेकिन चूंकि आधा घंटा मशीन सेटअप में गुजरेगा तो काम कितनी देर होगा? 7.5 घंटे। तो हमें 7.5 घंटे काम लेने के लिए लेबर कॉस्ट कितनी देर की पड़ेगी? 8 घंटे की। सही। ऑन एवरेज असेंबलिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वुड रिक्वायर 1.8 लेबर आवर्स। तो वर्कर से हमें 1.8 आवर्स काम लेना है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और काम शिफ्टों में होगा लेकिन शिफ्ट 8 घंटे की होगी जिसमें काम 7.5 घंटे होगा। ये 8 घंटे की शिफ्ट में काम 7.5 घंटे वाली बात समझ आई? तो ये ब्रैकेट में देखिए मैं कर रहा हूं, उम्मीद तो है कि आ जाएगी समझ। 1.8 ये 1.8 घंटे वर्क है या पेड वर्क? एक यूनिट के लिए 1.8 आवर्स चाहिए, ये वर्क है। जबकि हमें कॉस्ट किन की पड़ती है? पेड की आवर्स। पेड की क्या आवर्स? वर्क की आवर्स, पेड की। यूनिटरी मेथड से ब्रैकेट में बना के दे रहा हूं, अगर ना समझ आया तो फिर एक लंबे तरीके से कर दूंगा। ये क्या किया मैंने? ये मैंने आवर्स वर्कड से पेड बनाए। ये 7.5 है तो 8 कितना होगा? ठीक है, ये निकल आएंगे एक यूनिट के लिए इतने घंटे पे करने पड़ेंगे और एक घंटे के पैसे देंगे 200 और टोटल है 5 लाख यूनिट्स। ये 8/7.5 आया समझ? नहीं समझ आया, चले ठीक है, जिनको नहीं समझ आया 1.8
इतने टोटल घंटे काम चाहिए, ठीक है, इतने टोटल घंटे काम चाहिए, और काम होता है चूंकि शिफ्ट्स में, ये टोटल काम आ गया, एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होता है, काम कितने घंटे होता है, ये क्या निकलेगा? एक यूनिट के लिए इतना काम चाहिए, टोटल यूनिट के लिए इतना काम चाहिए, एक शिफ्ट में अगर इतने घंटे काम होता है तो डिवाइडेड बाय करने से आंसर क्या आएगा, इतनी शिफ्ट्स लगेंगी, ये टोटल घंटे का काम है, अगर एक शिफ्ट में इतने घंटे काम हो जाता है तो उसे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स आ जाएंगे ना, एक शिफ्ट के लिए 8 घंटे के पैसे देने पड़ते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स पेड आ गए और 200 रुपए पर आ रहे, ये भी नहीं, ये हो गई लेबर कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, इस सवाल में ना मैंने आपको अभी चूंकि सिखाया नहीं है इसलिए बस आंसर बना रहा हूं, और वैसे वर्किंग करके मैं लिख दूंगा कि हाई लो मेथड से निकलना है, हाई लो मेथड सिखाना है आपको भी, तो इसलिए हाई लो मेथड जब सीख जाएंगे तो ये जो इसकी वर्किंग जो मैं नहीं कर रहा वो हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड लिखने लगा हूं। अगर किसी तरह हम वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर निकाल लें, वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर, चलो फर्स्ट करें सवाल में दिए हुए, अब आगे टोटल कैसे बनाऊं, वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर सवाल में दिए हुए, अब आगे क्या करूं ब्रैकेट में बताएं, टोटल लेबर आवर्स आ गए और वेरिएबल पर आवर दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल आवर्स और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है ये वर्किंग से निकालना पड़ेगा, इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, वेरिएंस वाले चैप्टर से बाहर निकला हूं मैं, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही इधर, हम टोटल खर्चे लिख रहे हैं, तो टोटल खर्चों में वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड भी पर आर मिल गया, फिक्स्ड ओवरहेड भी पर लेबर आर आ गया, अब इस सवाल में एक वर्किंग वन जो अभी नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज सिखाई नहीं है, जब सीख लेंगे तो वर्किंग वन से उस आंसर का निकल आएगा, वो होगा काम हाई लो मेथड, उससे हम वेरिएबल ओवरहेड पर आर और फिक्स्ड ओवरहेड पर आर निकाल सकेंगे, वो इसमें रखेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे। ये तो इस फैक्ट्री के, क्योंकि पहले मॉड काम भी करते हैं, रेगुलर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे, लेकिन स्पेशली इस प्रोडक्ट के लिए हमें एक नई मशीन लेनी पड़ेगी, वो डेप्रिशिएट भी होगी, वो इसके अंदर शामिल नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो हम वर्किंग वन बना के निकालेंगे ना, ये इस फैक्ट्री के और कामों पे लगने वाले रेगुलर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर निकलेंगे, तो वो जो स्पेशल मशीन इसके लिए लेनी पड़ेगी उसकी डेप्रिसिएशन इनमें इंक्लूडेड होगी नहीं, तो वो भी एक अलग से एक्सपेंस होगा, तो इस नई मशीन के लिए टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, कितने अरसे का साल सॉल्व कर रहे हैं हम, पूरा लाइफ टाइम, तो उस स्पेशल मशीन की पूरे लाइफ टाइम में डेप्रिसिएशन कितनी होगी, उसकी पूरी कॉस्ट, तो वो होगी 1.5 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू है नहीं तो सारी की सारी कॉस्ट टोटल लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन बन जाएगी, और अभी वर्किंग वन क्योंकि मैं कर नहीं सकता तो उसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं ताकि वैल्यूज लेके सवाल तो पूरा करे ना, और उसका आंसर है 24 और 42.8, 24 और 42.8।
अब ये क्या फिगर बन गई, ये हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई और हमारी रिक्वायर्ड से तो ऊपर ही निकल गई। तो हमें ये कमी सप्लायर से डिस्काउंट की शक्ल में निकलवानी पड़ेगी। कितना डिस्काउंट लेना पड़ेगा उन लोगों से? जी 323.4। अच्छा ये नहीं, ये वर्ड मुनासिब नहीं है, ये रिक्वायर्ड डिस्काउंट कहना ठीक नहीं है, उसको कॉस्ट गैप जरूर आई है। रिक्वायर्ड डिस्काउंट नहीं ठीक लिखा मैंने, ये कॉस्ट गैप है। रिक्वायर्ड डिस्काउंट लिख दिया था तो वो काट दें, ये कॉस्ट गैप है, ये रिक्वायर्ड डिस्काउंट नहीं है। ओवरहेड निकालते हुए ये तो लेबर का वेज रेट था। अरे ये वेज रेट था ना, ये लेबर का वेज रेट था, उस वेज रेट को लेबर आर से मल्टीप्लाई किया। ये वेरिएबल का रेट है, उसको लेबर आर से मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल ओवरहेड्स के रेट को वेज रेट से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ आर से करते हैं। 200 रुपए वेज रेट पर आर है, वो तो लेबर कॉस्ट निकालने में इस्तेमाल होगा। ये कॉस्ट गैप कैलकुलेट हुआ अभी। तो हमें सप्लायर से डिस्काउंट लेना है, इतना डिस्काउंट लेना या नहीं? नहीं, वो सप्लायर का मसला है, हमें इतना डिस्काउंट लेने की कोशिश करनी चाहिए, यानी ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकल आई। नहीं नहीं, हमने कम करना सिर्फ डिस्काउंट से ही है। अब क्या डिस्काउंट की ही अमाउंट निकली है? नहीं, क्यों? ठीक है, तो अगर हम मटेरियल इतने रुपए से कम करवा लेंगे, बाकी इतने इतने ही रहेंगे, तो ठीक है 33 आ जाएगा। प्रॉफिट से क्यों देखना है, टारगेट कॉस्ट से ही देखना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट से ही कंपेयर करके पता चलेगा कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है खर्चा और कम करने की। तो कंपेयर तो टारगेट कॉस्ट से ही करना है। हाँ, ड्यूटी का फर्क आएगा, ये बात दोबारा समझाता हूं। अगर हमने एक चीज सप्लायर से 100 रुपए की खरीदी थी, तो 100 रुपए की खरीद के लाएंगे तो उस पर 15% ड्यूटी भी पड़नी है हमें, फिर वो 115 रुपए अल्टीमेटली कॉस्ट करेगी। अगर हम सप्लायर से 20 रुपए कम करवा लेते हैं 80, तो ड्यूटी भी तो कम हो जाएगी। अब 15% ड्यूटी कितनी पड़ेगी? 12। तो कितना फर्क पड़ा? 20, हमने तो 20 रुपए कम करवाए थे, ये तो 23 का फर्क पड़ गया। तो सप्लायर से हम 20 रुपए कम करवाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट में 23 रुपए की कमी आ जाएगी। तो ये जो अभी इस वक्त कॉस्ट गैप निकाला है, ये हमें टोटल कॉस्ट में कमी चाहिए, यानी ये 23 रुपए है कि 20 रुपए? ये 23 है। हमसे उसने 20 रुपए पूछे, हमसे उसने पूछा है कि सप्लायर से डिस्काउंट कितना करवाना है, इतना डिस्काउंट नहीं करवाना है। ये तो डिस्काउंट करवाने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट में इवेंचुअली इतने की बचत आएगी, और वो इस वजह से क्योंकि 15% ड्यूटी भी लगनी है, तो हमने डिस्काउंट इतना नहीं इतना लेने की कोशिश करनी है। तो अब इसको मैं 23 से 20 रुपए कैसे बनाऊं? आहा, ये 23 रुपए है तो इसे 20 रुपए कैसे बना? डिवाइडेड बाय 1.15। हाँ, ये 15% एडेड अमाउंट ऑफ बचत है, तो हमें उससे पहले वाली बचत निकालनी है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए इतना है जो हमें डिस्काउंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करके देख ले जो कह रही है। और अगर सप्लायर से डिस्काउंट की कोशिश करनी है, तो वैसे तो यहां तक भी आंसर कंप्लीट होना चाहिए,
लेकिन जब बात हो रही है कि कितना डिस्काउंट लें, कितने डिस्काउंट की कोशिश करें, तो डिस्काउंट तो फिर हम परसेंटेज में कोशिश करेंगे ना। यानी हम सप्लायर से 281 रुपए का डिस्काउंट देने की बजाय, अगर टीम को यह पता हो कि 12% डिस्काउंट लेना है तो ज्यादा आसान है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना ज्यादा बेहतर है। वैसे यहां तक भी सही होगा आंसर, लेकिन डिस्काउंट को एज अ परसेंटेज बताना है, तो एज अ परसेंटेज देखना हो तो कितना डिस्काउंट हम लेंगे, इसको किससे डिवाइड करूं, कौन से वाले सप्लायर से डिस्काउंट लेना है, एक्स वाई जी, तीनों सही। नाइन पॉइंट अच्छा, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं याद ही रखूं, क्योंकि वेरिएंस जो भी 3-4 क्लासेस रह गई हैं, इसके बाद मैंने फिर ये हाइलो मेथड कराना है, तो आप ना अभी तकरीबन आधा पेज वर्किंग वन कह के छोड़ दें। जब मैं आपको हाइलो मेथड करा लूं प्रॉब्ली कुछ 4 क्लासेस बाद, तो फिर ये इस छोड़े हुए पेज पे वापस आ जाएंगे, तो वर्किंग वन, और उसके लिए आधा पेज छोड़ दें जी, क्योंकि हमने डिस्काउंट 23 नहीं, हमने टोटल बचत 23 लेनी है, तो डिस्काउंट 20 का लेंगे तो टोटल 23 की बचत आएगी, तो ये फिगर मैंने अभी 23 से इसको 20 पे शिफ्ट किया। एक ये सवाल है, और एक इससे और हल्का सवाल था वो भी करा देता हूँ, और टारगेट को आते हैं बस, ये सारी कैलकुलेशन चेक कर लें, और इन कैलकुलेशन में अगर कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। वर्किंग वन के लिए कहा है आधा पेज छोड़ दें। चले 2022 पढ़ लें, इससे ऊपर वाला सवाल पढ़ लें, स्प्रिंग 22 जी, 1.15 समझ नहीं आया, ये वाली बात भी नहीं समझ आई कि हम डिस्काउंट 20 का लेंगे 23 का नहीं। हमें ना अपने खर्चों में टोटल बचत इतनी लानी है 323 टोटल, अगर हम सप्लायर से इतने पैसे कम करवा लेंगे तो बचत इससे ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने ना खुद से 4 फिगर ली थी, मैंने मिसाल ली थी कि अगर पहले हम मटेरियल 100 रुपए का खरीदते थे तो 15% ड्यूटी पड़ती थी, इसका 15%, और हमें ये टोटल मटेरियल 115 का कॉस्ट करता था। अगर हम सप्लायर से 20 रुपए का डिस्काउंट करवा लिया, मैंने सारी खुद ही फिगर अज्यूम की है, तो सप्लायर से हमें मटेरियल 100 की बजाय 80 रुपए का मिलेगा, और उस पर जब 15% ड्यूटी पड़ेगी तो वो इसका 15% होगी, और अब हमारी अल्टीमेट मटेरियल कॉस्ट 115 से कम होकर 92 पे आ जाएगी, 23 रुपए की बचत आ जाएगी। तो हम अगर सप्लायर से 20 रुपए कम करवाते हैं तो टोटल बचत हमारी इतनी हो जाती है, क्योंकि अगर इतने पैसे बचेंगे तो इसका 15% ड्यूटी भी बचेगी, तो हमें जितने सप्लायर से पैसे कम करवाने हैं टोटल बचत इतनी हो जानी है। अब आपको ये फिगर 323 टोटल बचत की निकली, तो फिर निकलेगा कि सप्लायर से कितने पैसे कम करवाने, बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये इस तकल्लुफ में ना पड़े ना, और 323 को डिवाइडेड बाय दिस की बजाय दिस कर दें, तो भी 9.6% ही आ जाएगा। अगर हम ये 281 की तरफ ना जाएं, इस ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट को डिवाइडेड बाय ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट कर दें, तो भी डेट डिस्काउंट परसेंटेज ठीक निकल आएगी। इससे ऊपर वाला सवाल पढ़ लें, स्प्रिंग 22, 3 और 4 सात नंबर, बल्कि 3 और 4 क्या, 3 नंबर, 4 नंबर का क्या पूछा है? वो जो कॉस्ट गैप कम करने के पॉइंट्स थे वो पूछे हैं 4 नंबर के, तो पार्ट ए कॉस्ट गैप 3 नंबर, स्प्रिंग 22 पढ़ लें, करता हूं। चाय तो नहीं पी रहा, कॉफी है ना, कॉफी। कर दे सही है, लेकिन वो परसेंटेज आप पेड की निकाल रहे होंगे कि वर्क की, यानी 30 को 7.5 से डिवाइड करेंगे कि 8 से, या तो 7.5 से करें तो फिर 1.8 पे वो परसेंटेज लगा दें, लेकिन आपको कैलकुलेट करके देख लेना, आपको अगर गलती कर रही होगी तो पता चल जाएगा।
हाँ जी पढ़ लिया। पहले हम आइसक्रीम बेचते थे दुनिया वालों को, अब हम फ्रोजन योगर्ट ठंडे दही बेचना चाह रहे हैं। और सिर्फ ठंडे दही की सेल्स से रिलेटेड कॉस्ट गैप पूछा है, यानी सिर्फ ठंडे दही की सेल्स और टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट, या एग्जिस्टिंग बिजनेस भी? कैसे पता? क्योंकि वो जो फिगर्स बता रहा है वो टोटल टोटल बता रहा है, यानी जो पहले आइसक्रीम सिर्फ थी और अब जो आइसक्रीम और ठंडा दही साथ होगा, टोटल चीजें बता रहा है। तो हमें ये सिर्फ ठंडे दही कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने की बजाय विदाउट ठंडा दही और इंक्लूसिव ऑफ ठंडा दही, इनके कंपैरिजन से करना। नहीं समझ आई तो कैलकुलेशन से समझा देता हूं दोबारा। अभी इस वक्त एक हफ्ते का डाटा दिया हुआ है टेबल में कि पर वीक 500,000 रुपए की सेल्स, 350,000 की वेरिएबल कॉस्ट, 100,000 की फिक्स कॉस्ट और 50,000 का प्रॉफिट हुआ करता है अभी इस वक्त जो आइसक्रीम पार्लर थे। अब उन्होंने फैसला किया है कि हम ठंडा दही बेचेंगे और उसके लिए एस्टीमेट्स ये 0.1 से लेके 0.4 में लिखे हैं। एक हफ्ते में 800 कप्स बेच लेंगे, जिसकी सेल प्राइस भी बता दी, लेकिन इससे आइसक्रीम की सेल पे फर्क पड़ेगा। तो चूंकि इसकी वजह से आइसक्रीम की सेल पे भी फर्क पड़ेगा, इसी वजह से सवाल की रिक्वायरमेंट में हम सिर्फ ठंडे दही की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कंबाइंड बिजनेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी सेल प्राइस बता दी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट बता दी और फिक्स खर्चे भी बता दिए, और बिजनेस का टारगेट बता दिया कि बिजनेस चाहता है कि ऑन ठंडा दही 14% कमाना चाहते हैं, ऑन ठंडा दही आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ठंडा दही, यानी पहले जो बिजनेस था, अब ठंडे दही के बाद जो बिजनेस होगा उसमें बिजनेस 14% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो किस तरह सॉल्व करें? टोटल सेल्स का 14%, टोटल रिक्वायर्ड प्रॉफिट और उसमें से माइनस करके टोटल टारगेट कॉस्ट, और 0.1 से लेके 3 तक सॉल्व करके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकलेगी और उनका डिफरेंस कॉस्ट में। चलिए दो सिप और ले लो। कोई इंपोर्टेड कॉफी लग रही है मुझे। है? ये चाय शाय सब ऐसी फजूल चीज है। आप जवान बच्चे हैं, आप लस्सी पिया करें तो फिर सो जाएंगे आप लोग। बल्कि टारगेट सेल्स क्या, टोटल हमारी अब एस्टिमेटेड सेल्स, पहले हम सिर्फ आइसक्रीम्स बेचते थे और एक हफ्ते में होती थी 500,000 रुपए की सेल्स, लेकिन अब फ्रोजन योगर्ट बेचने से आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ जाएगी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो ये हो जाएगी अब ये प्लस 800 कप बेच लेंगे और एक कप 190 का 670 702।
ठीक है 702। और अगर हम कमाना चाहते हैं प्रॉफिट 14%, तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए 702 का 86%, 603। ये हमारी टारगेट कॉस्ट आ गई। दो देनी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती थी, सेम काम करूंगा ये 3, ये ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, आइसक्रीम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगे। और ये वाला पोर्शन प्लस 800 × 150, 190 तो सेल प्राइस है ना, 50। पहले कितनी होती थी, तो इसमें भी 10% वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं ये फिक्स कॉस्ट है, इसमें ना बढ़ाओ 1.1, पक्की बात है ना, शाबाश जबरदस्त, क्योंकि ये सीवीपी एक मुश्किल टॉपिक पढ़ाना है, ये आपके अंदर से सीवीपी निकल रहा है, सीवीपी में ये सिखाना था आपको, मैंने एक सीवीपी टॉपिक पढ़ाना है मैंने, तो ये आपके नेचुरल टैलेंट के अंदर सीवीपी शामिल है कि सेल्स 10% बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। चलो जबरदस्त शाबाश। लेकिन 12% बढ़ जाएंगी क्योंकि फ्रोजन योगर्ट के ऊपर भी और फिक्स खर्चे आएंगे, तो कॉस्ट गैप बन गया 1, 3, ये आगे 3 नंबर, टारगेट कॉस्ट खत्म। जी टारगेट कॉस्ट खत्म, लेक्चर 71 खत्म। चलो जी लेक्चर 71 बस डन।